तो अभी हम भी चलते हैं और देखते हैं कि पुलिस हमको पकड़ता है कि नहीं। तो ये पहला सिग्नल, तो चलो भाई लोग अभी हम आ चुके हैं डेंजर जोन पे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्पीडोमीटर, ये देखो यहाँ पे एक लगा हुआ है। यार हम जैसे मिडिल क्लास बंदों की ना एक सुपर पावर होता है। देखो हम लोग खरीदना तो चाहते हैं सुपर बाइक, पर उतना औकात तो हम लोगों का है नहीं। तो बाइक के साइलेंसर को लेके ना सभी के मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो ये वाला एग्जॉस्ट जो मैंने लगाया है, तो आप लोग बेझिझक इसको लगा सकते हैं अपने बाइक में। और इस रास्ते पे चलाने में ना यार दिमाग गरम हो जाता है, रास्ता एकदम से स्ट्रेट नहीं है, ऐसे ऐसे करता है रास्ते पे। पुलिस पकड़ रहा है। So, भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग को कैसे हो सब आप लोग। तो अभी सुबह सुबह उठ के हम जा रहे हैं काम पे। तो आज अपना काम है गोड़िया में, और काम खत्म होते होते तो आधी रात हो जाएगा। तो अपने बाइक का नया एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना ये मैं पहली बार कोलकाता की तरफ जा रहा हूँ। वैसे तो हम भी कोलकाता में ही रहते हैं, पर कोलकाता में मैं रहता हूँ बारासात, और प्रॉपर कलकत्ता जो है वहाँ पे पुलिस का बहुत ही चेकिंग चलता है भाई। तो अभी हम भी चलते हैं और देखते हैं कि पुलिस हमको पकड़ता है कि नहीं। पहला सिग्नल, नहीं भाई किसी का नजर में ही नहीं आया। अबे यार फिर से रेल गेट। पिछले मोड पे सिविक वॉलंटियर जो था उसके सामने जाके गाड़ी को खड़ा किया, फिर उसका रिएक्शन देख रहा था क्या वो इस तरफ देखता है कि नहीं, पर नहीं देखा, उसका कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि पुलिस से ज़्यादा सिविक वॉलंटियर जो है वो पकड़ता है। बारासात से एयरपोर्ट तक पहुंचने में करीबन एक घंटा लग गया। तो चलो भाई लोग अभी हम आ चुके हैं डेंजर जोन पे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्पीडोमीटर, ये देखो यहाँ पे एक लगा हुआ है। तो अभी पुलिस वाले क्या कर रहा है कि स्पीडो कैम जो होता है उसको ऐसी जगह पर रख रहा है कि भाई दिखाई नहीं देता है। आप तो खाली रास्ता देख के भाई खींचोगे, थोड़ा सा जैसे ही खींचोगे बस हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। तो अभी कोलकाता सिटी में ना बहुत संभाल के चलाना पड़ता है, इधर उधर देख के चलाना पड़ता है। वो क्या बेस मार रहा है। तो अभी ना अपना बाइक कुछ हद तक सुपर बाइक वाला फील दे रहा है। वहाँ पे देखो और एक स्पीडोमीटर। भाई आज तो भाई 80 के ऊपर बाइक भगाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इतना ट्रैफिक है। यार हम जैसे मिडिल क्लास बंदों की ना एक सुपर पावर होता है। देखो हम लोग खरीदना तो चाहते हैं सुपर बाइक, पर उतना औकात तो हम लोगों का है नहीं। तो जैसे तैसे करके पैसा जुगाड़ करके हम कोई भी एक बाइक ले लेते हैं, और उसके पास स्टार्ट होता है हम लोगों की सुपर पावर दिखाना। तो उसी बाइक को हम मॉडिफाई करके भाई सुपर बाइक के जैसा बना देते हैं। तो है ना हम लोगों का सुपर पावर।
अभी हम पहुंचने वाले हैं रेड जोन में। तो ये साइंस सिटी के सामने वाला जो सिग्नल होता है ना, ये पूरा रेड जोन है। बाप रे बाप, अभी धूप नहीं था कुछ देर पहले, पर अब देखो जल रहा है एकदम। शहीद खुदीराम मेट्रो स्टेशन। सो भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं और पुलिस अभी तक हमको पकड़ा नहीं। और पकड़ेगा क्या भाई, वो तो नोटिस भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये वाला जो साइलेंसर है ये पास हो गया है, पप्पू पास हो गया। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब ट्रैफिक से हम गुजरते हैं ना, तो इसका साउंड उतना भी खास कुछ आता नहीं है कानों पे। खाली जगह जहाँ पे होता है तब इसका साउंड मालूम पड़ता है। तो ये हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, तो पहले ना अपना ये दाढ़ी वाड़ी ये सब छाटना पड़ेगा। भाई अभी अपना उम्र ही कितना हुआ है और देखो पूरा दाढ़ी सफेद हो गया है अपना। अभी दाढ़ी वाड़ी शेप करने का ना हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। तो अभी सुबह का जो काम था वो तो हो गया है अपना खत्म। आज मैं आया हूँ राइस सेरेमनी का काम पे। थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे जोरों का बारिश हुआ था, पर ये गर्मी जो है ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस गर्मी में ना बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये देखो बारिश के वजह से ना पूरा रोड गीला हो गया है। और ये रहा अपना विरोनिका, वो भी देखो विरोनिका के पास कौन खड़ा हुआ है। विरोनिका बारिश के वजह से देखो पूरा भीग गया है। इसमें थोड़ा सा कीचड़ था पर बारिश के वजह से वो धुल गया है। इसको मैं बाद में ठीक से धुलवा लूंगा। और ये रहा अपना नया एग्जॉस्ट जो मैंने लगाया है। भाई इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आते वक्त बहुत कोशिश किया था कि पुलिस का अटेंशन जो है वो इसके तरफ जाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ भाई। तो ये वाला एग्जॉस्ट जो मैंने लगाया है, तो आप लोग बेझिझक इसको लगा सकते हैं अपने बाइक में। पिछले 3-4 वीडियो मैंने जो बनाया था वो पूरा बाइक का एग्जॉस्ट के ऊपर ही था। तो बाइक के साइलेंसर को लेके ना सभी के मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, कौन सा वाला लगाए, कैसे लगाए, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि लीगल होगा कि इलीगल होगा। ये सारा चीज जो है ये इतना लंबा चीज है, तो इसलिए इस टॉपिक पे बनाते बनाते ना 3-4 वीडियो अपना बन गया। और बाद में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये वाला एग्जॉस्ट जो है इसका डीबी कितना है। सबसे मेन दिक्कत होता है डीबी को लेके, यानी कि डेसिबल। अगर डीबी 100 के ऊपर जाए ना तो वो इलीगल होता है। तो इसलिए मैं इसका डीबी जो है वो आप लोगों को चेक करके बताऊंगा कि इसका डीबी कितना आ रहा है। तो चलो यहाँ का काम तो अपना हो गया है खत्म, चलते है घर के तरफ। तो आज मैं अपना स्टील वाट का हेलमेट पहन के आया हूँ, तो स्टील वाट SBA 2। और ये वाला हेलमेट जो है ये मेरा फेवरेट हेलमेट है, क्योंकि एक तो इसका वेट जो है वो बहुत ही लाइट वेट है, और इसका वाइजर, भाई ये वाला हेलमेट पहनने के बाद ना मालूम ही नहीं चलता है हमने कोई हेलमेट पहना है। तो मैं लोकल में या फिर काम पे अगर जाता हूँ ना तो ये वाला हेलमेट पहन के जाता हूँ। काम पे आके ना हेलमेट को इधर उधर रखना पड़ता है, और अगर एक्सोर वाला लेके आओ ना तो इधर उधर रखने से उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाता है, इसलिए ये वाला हेलमेट बेस्ट है। हालांकि इसका जो वाइजर है उसमें भी काफी स्क्रैचेस आ गया है। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं लेके आया हूँ। तो यहाँ से अभी नेविगेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला रास्ता मुझे पता है। तो मोबाइल को रख देते हैं पॉकेट में। और इस रास्ते पे चलाने में ना यार दिमाग गर्म हो जाता है। रास्ता एकदम से स्ट्रेट नहीं है, ऐसे ऐसे करता है रास्ते पे। जोर से भगाऊंगा ना तो बाइक ऐसे ऐसे करता है। अबे यार ये तो पूरा रास्ते में सिग्नल मिल रहा है। पकड़ रहा है।
भाई लोग साउंड सुना आपने? और साइलेंसर बदलने के बाद ना ये इसका इनिशिएट इतना बढ़ गया है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। चलो यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैफिक। भाई आधी रात को भी देखो कितना ट्रैफिक है। ये सब ट्रैफिक जो है ये ट्रक की वजह से। बाप रे बाप, अभी ये ट्रैफिक पूरा डाक बंगला मोड़ तक चलेगा। अभी घर कब पहुंचेंगे भाई पता नहीं। तो भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, तो लगभग घर तो हम पहुंच गए हैं। और भाई आज पूरा रास्ते पे कोई पुलिस हमको पकड़ा नहीं और पुलिस ने भाई नोटिस ही नहीं किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो भी हो भाई, डेली अपडेट के लिए मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलो इस वीडियो का करते हैं यही पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।